नए निष्कर्ष बताते हैं कि हिमयुग के दौरान अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के आसपास 69 ज्वालामुखी फटे, जो आधुनिक इतिहास में किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट से कहीं अधिक खतरनाक और व्यापक है। एक समय में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में सैकड़ों ज्वालामुखी फटे थे। हाल ही में 79 भयानक ज्वालामुखियों की खोज की गई है। कहा जा रहा है कि हिमयुग में एक भयानक विस्फोट हुआ था जो आधुनिक इतिहास में कभी नहीं देखा गया। अध्ययन में शामिल वैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। नए निष्कर्ष बताते हैं कि हिमयुग के दौरान अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के आसपास 69 ज्वालामुखी फटे, जो आधुनिक इतिहास में किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट से कहीं अधिक खतरनाक और व्यापक है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के भौतिकविदों का कहना है कि ज्वालामुखी विस्फोट आमतौर पर विस्फोटों के कारण होते हैं। कान टूटने वाले विस्फोट होते हैं, मोटी और गहरी राख निकलती है, वातावरण में धुएं की परतें फैलती हैं, लवणी जमीन में बह जाती है। हमने अभी तक इतिहास में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट नहीं देखा है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में नील्स बोहर संस्थान के एक सहयोगी प्रोफेसर एंडर्स विंसेन ने कहा, लेकिन मैं इसे किसी भी समय देख सकता हूँ। हालांकि 2010 में ज्वालामुखी ने यूरोप में कुछ संकट पैदा किया, लेकिन जानकारों का कहना है कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में हुए विस्फोटों के सबूत कई गुना ज्यादा भयावह है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबा दें ताकि दोस्त अगले वीडियो में देख सकें। तब तक स्वस्थ रहें, धन्यवाद।